सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम लोग इस देश के बहुजन हैं, इसलिए माइनॉरिटी करने कहने से हम परहेज करते हैं। अब वो मुसलमानों में घुस करके पसमांदा के नाम से घुसना चाहते हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। पसमांदा नाम का न इस दुनिया में कोई धर्म है न जाति है, पसमांदा वही है जो ओबीसी महासंघ है। हिंदुओं में तो पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करते हैं, मुसलमानों को क्यों एक रूप समाज समझते हैं। आप लोग भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कह करके हम लोगों को बुलाते हैं, मुसलमान कह करके बुलाते हैं। इसराइल मंसूरी साहब ने भी अपना दर्द बयान किया। हम तो कहते हैं कि एक चीज सुधारिए, हम लोग माइनॉरिटी नहीं हैं, हम लोग अकलियत नहीं हैं, हम लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम लोग इस देश के बहुजन हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग सुदर हैं। अरे भैया, सुदर हैं, सुदर हैं, हम लोग सुदर हैं सभी लोग, इसलिए माइनॉरिटी करने कहने से हम परहेज करते हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है, माइनॉरिटी एक ऐसा शब्द है जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, उर्दू में उसको कहते हैं एहसास कमतरी पैदा करता है। अरे भाई, हिंदू पिछड़ा, मुस्लिम पिछड़ा अगर मिल जाए, दलित, हिंदू दलित, मुस्लिम दलित मिल जाए, आदिवासी मिल जाए, तो हम अक्सरियत के लोग हैं, हम बहुजन हैं, हम इस देश के मुस्तकबिल को, इस देश के भविष्य को संभालने वाले हो सकते हैं। इसीलिए हमने शब्द लाया पसमांदा। आप सुन लीजिए, ये ओबीसी ये क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेज, थोड़ा लंबा नाम है। मैंने बहुत दिमाग को खपाया कि उर्दू में हम कोई ऐसा शब्द खोजें जिसमें हम ये बताएं ये छोटा शब्द, तो वही ओबीसी पिछड़ा हमने पसमांदा निकाला। पसमांदा फारसी उर्दू का शब्द है, और जो ओबीसी है पिछड़ा, उसी का मतलब उर्दू में अगर आप कहिएगा तो पसमांदा कहिएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस देश के प्रधानमंत्री जो अभी हैं मोदी जी, वो भले ही उनकी नियत जो हो, लेकिन वो नाम रट रहे हैं, पसमांदा पसमांदा कर रहे हैं। अभी भाटी साहब ने जिक्र किया, आप लोग क्यों हम लोगों को अकलियत कह रहे हैं, हम लोगों को मुसलमान कह रहे हैं? अगर आप लोग नहीं बोलिएगा, अगर सामाजिक न्याय की ताकतें जो पार्टियां हैं वो हमको अब पसमांदा नाम से नहीं पुकारेगी, तो यही वो लूपहोल है, यही वो सुराख है जहां से मोदी पसमांदा पसमांदा कह करके घुस रहा है। इसके पहले वो पिछड़ों में भी घुसे हैं, दलितों में भी घुसे हैं, आदिवासियों में भी घुसे हैं, अति पिछड़ों में भी घुसे हैं। अब वो मुसलमानों में घुस करके पसमांदा के नाम से घुसना चाहते हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। भाई लक्ष्मण यादव जी, हम लोग उनकी सराहना करते हैं कि हर सब हर अपने तकरीर में वो कभी अकलियत और मुसलमान नहीं कहते हैं, पसमांदा मुसलमान कहते हैं, और भी साथी सब का ये करते हैं। तो साथियों, पहली बात कि हम अकलियत नहीं हैं, हम अक्सरियत के लोग हैं, हम बहुजन के लोग हैं। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि आज मैं दो संगठनों की तरफ से यहां बोल रहा हूं,
एक तो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का कौमी सदर होने के नाते, और दूसरा मैं इस नाते बोल रहा हूं सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार की तरफ से। लक्ष्मण यादव जी यहां बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी आ गए, ये सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बिहार से एक प्रक्रिया शुरू की है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और सामाजिक न्याय आंदोलन की तरफ से हम लोग कोई एक डेढ़ साल से पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में हम लोग एक सम्मेलन और संगोष्ठियां कर रहे हैं। एक बड़ा सम्मेलन हम लोग 12 मार्च को करने जा रहे हैं, महासभा ओबीसी महासभा के साथी जो पूरे देश से आए हैं उनको हम, इन दोनों संगठनों ने तय किया है जब आज के आपके सम्मेलन में आए हैं कि हमारे 12 मार्च के पटना सम्मेलन में आप सब लोग आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग उस सम्मेलन में आइए। यही वो रास्ता है कि फिरका प्रस्तों को, सांप्रदायिक लोगों को रोका जा सकता है। भाइयों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जाति जनगणना को लेकर के बात हुई, जब मैं पार्लियामेंट में था तो 18 दिसंबर 2009 को सबसे पहले मैं जाति जनगणना का सवाल उठाया। हालत यह है हमारे ओबीसी महा समाज की कि किसी को समझ में नहीं आया, एक आदमी ने भी राज्यसभा में हमारी बात का समर्थन नहीं किया। कुछ लड़के गए दौड़े हुए, शरद यादव जी हयात से थे, उनके यहाँ गए कि देखिए एक मुसलमान एमपी आया है, वो 2011 की जनगणना होने वाली है, 2009 में इस सवाल को उठा रहा है, आप लोग भी। तो शरद यादव जी ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, उन्होंने लालू यादव सिंह जी से बात की, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी से बात की, और ये तीनों लोग उठे तो 100 एमपी हो गए। गोपीनाथ मुंडे साहब ने उसमें हाथ मिलाया, तो मैंने इस सवाल को उठाया और हमने लिखा, हमने ये किया। अब अभी जो जनगणना बिहार में हो रही है उस अभी से आज से 1.5 साल पहले एक बुकलेट छपवा करके और हम लोग पूरे देश में इसको जारी किए हैं, यहाँ दिल्ली से भी, जिसमें प्रोफेसर रतनलाल, दिलीप मंडल साहब और सूरज मंडल साहब, ये तमाम लोग थे। क्या ये जाति जनगणना के बारे में हमने छपवाया है? हमने छपवाया है। क्यों जरूरी है जाति जनगणना? हमने कहा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज जाति जनगणना के लिए, हो जाओ तैयार। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज जाति जनगणना के लिए, हो जाओ तैयार। आज की तारीख में जो सांप्रदायिकता है उसका मार्केट में जो इलाज है, ये सबसे बड़ा इलाज है जाति जनगणना। इस बात को हमने 2009 में कहा था। दूसरा हमने नारा दिया इसमें, ये हमने मंच के लोगों को दिया है, और कुछ बचेगा तो आप लोग ले लीजिएगा। दूसरा नारा दिया, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो दोस्तों, ये जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है। 1872 से राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होती रही है, कभी उसमें गैप नहीं हुआ। 1872 का मतलब 151 साल से, सब ब्रिटिश पीरियड था, कई सरकारें आई लेकिन जनगणना नहीं रुकी। ये पहली दफा है कि मोदी सरकार ने इस जनगणना को 151 साल के बाद पहली बार जनगणना रुकी है।
और इसीलिए डर यही है कि ये जो गुब्बारा सांप्रदायिकता का उठा करके फुलाए हुए हैं, अगर जाति जनगणना होगी तो ये गुब्बारे में छेद हो जाएगा और ये गुब्बारा धड़ाम हो जाएगा। 151 साल बाद ऐसी नकारा सरकार, ऐसी बदनीयत, इस तरह की बदमिजाज सरकार, इस तरह की अहमक सरकार, इस तरह की घमंडी सरकार 151 साल में इस देश में नहीं बनी जिसने जनगणना को रोक दिया है। यह बहुत खतरनाक है। बिहार से जनगणना हो रही है, आपने देखा, हमारे साथी इसराइल मंसूरी साहब ने बताया, आप सभी जानते हैं, लेकिन ये जनगणना पूरे देश में हो आज हमारे सामने ये सबसे बड़ा टास्क है। और ये और भी तब बढ़ गया है जबकि ईडब्ल्यूएस का जो फैसला आया है उसने खुद 50% का जो बाउंड्री था उसको हटा दिया है, तब तो और भी जरूरत हो गई है उसकी। तो जाति जनगणना के सवाल को पूरे देश में हम समझते हैं कि आपने समझा है और ठीक ही समझा है, हम लोगों ने पहले से इसको अभियान को चलाया हुआ है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल जो पसमांदा रट रहे हैं, आप जान लीजिए तमाम सेकुलर पार्टियां, तमाम अपोजिशन की पार्टियां ये जान ले कि अगर समय रहते उन्होंने नहीं चेता, मोदी साहब ने बहुत खतरनाक साजिश रची है मुसलमानों के अंदर पेंट्रेट करने की पसमांदा के नाम पर। और इसीलिए जब ही उन्होंने हैदराबाद के सम्मेलन में पसमांदा शब्द अपने जबान से निकाला, गांव-गांव में उनके कार्यकर्ता आरएसएस बीजेपी के घर घर घूम रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो हमने प्रधानमंत्री जी के नाम एक चिट्ठी लिखा, वो भी देंगे। प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठी लिखा कि आपका मकसद क्या है पसमांदा में घुसने का, पसमांदा में सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, पसमांदा मने तमाम पिछड़े और दलित और तमाम बहुजन समाज के लोग पसमांदा में आते हैं, आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं, आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। हमने एक चिट्ठी लिखी और हमने अपोजिशन पार्टियों को भी एक चिट्ठी लिखा है, सारे अपोजिशन पार्टियों को कि अरे भाई आप क्यों डर रहे हैं पसमांदा कहने से, पसमांदा नाम का ना इस दुनिया में कोई धर्म है ना जाति है, पसमांदा वही है जो ओबीसी महासंघ है। अगर उर्दू में ओबीसी महासंघ को एक शब्द में हम कहें तो पसमांदा कहें, महासंघ माने भी वही महासंघ होता है, महाज माने महासंघ होता है। तो इस बात को समझते हुए हमने एक बात कही है, एक बात की तरफ और हम इशारा करना चाहते हैं कि हम लोग तो झांसे में नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं, खास करके सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। हिंदुओं में तो पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करते हैं, मुसलमानों को क्यों एक रूप समाज समझते हैं? आप जान लीजिए हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं शायद ही कोई उस नाम की जाति हमारे मुस्लिम समाज में नहीं हो। गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं, दलित की जितनी जातियां हैं हमारे अंदर हैं, ओबीसी की जितनी जातियां हैं हमारे अंदर हैं, माली है, नाई है, तमाम तरह की जातियां हैं हमारे अंदर। तो इसलिए एक बात की अति पिछड़े भी हैं हम लोग, तो जो पिछड़ा नेतृत्व है, देखिए सामाजिक न्याय की बात बहुत लोग को बोलते हैं, एक फैशन भी हो गया है, लेकिन कौन सच्चा सामाजिक न्याय की बात पर अमल करने वाला है, उसका टेस्ट क्या है?
टेस्ट क्या है, कैसे समझा जाएगा कि ये पार्टी, ये आदमी सामाजिक न्याय की बात करता है, ईमानदारी से बात करता है। उसका टेस्ट ये है कि वो सहूलियतों को, सुविधाओं को अपने से नीचे जाने के देने के लिए तैयार है कि नहीं, या अगर अपने से नीचे किसी को कुछ देता है तो उपकार समझ करके, कृपा समझ करके अगर देता है तो वो सामाजिक न्याय का आदमी नहीं है। यही एक बारीक जगह है जहां से बीजेपी इंटर करती है, अति पिछड़े हिंदू हो या मुसलमान हो, जहां से उनके बीच घुसने की कोशिश कर रही है। ये बात हम सामाजिक न्याय के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो समझें इस बात को। देखिए भाई, आपका नोटिस आ गया, मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ। देखिए, हमारी एक बुरी फितरत है हमारे अंदर। फितरत ये है कि 11 बजे अगर आपने मीटिंग किया तो ठीक है, 11 बजे आ जाएंगे। 11 बजे आ गए थे, आपका ये मेन गेट बंद था, 100 लोग आपके कार्यकर्ता आके गेट पर खड़े थे। सबसे पहले हमने जा करके वहाँ कंस्टिट्यूशन क्लब के जो कहा कि खोलो, हमारे साथ ही खड़ा है, और तब से मैं हूँ। कभी कभी इसके चपेट में मैं आ जाता हूँ।